बहुत तेज है, कथा को रोकना पड़ेगा, बहुत तेज है, पंडाल उड़ रहा है, लोग खाली कर दीजिए, निकलिए बाहर सभी, बाहर निकलिए, देखिए पंडाल ऊपर हो रहा है, आप लोग आंधी तूफान के कारण बाड़मेर जिले के जासोल गांव में चल रही रामकथा का लोहे का पांडाल गिर गया। पांडाल गिरने के बाद उसमें करंट फैल गया। हादसे में पांडाल के नीचे दबने और करंट लगने से 15 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। 4 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। हादसे के बाद वहां अफरा तफरी फैल गई। पुलिस प्रशासन मौके पर राहत एवं बचाव कार्य में जुटा हुआ है। गौरतलब है कि हादसा बाड़मेर जिले के जासोल गांव में हुआ। गांव के स्कूल परिसर में रामकथा का आयोजन किया जा रहा था। आयोजन के लिए वहां करीब 200 फीट का लोहे का पांडाल लगाया गया था। पांडाल में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इसी दौरान दोपहर बाद मौसम ने पलटा खाया। करीब 4:45 बजे अचानक तेज आंधी तूफान आया, जिससे पांडाल गिर गया और श्रद्धालु उसमें दब गए। पांडाल में बिजली उपकरण लगे होने के कारण उसमें करंट फैल गया। प्रारंभिक सूचना के अनुसार हादसे में पांडाल में दबने और करंट लगने से 15 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी तक इसकी पुलिस या प्रशासनिक स्तर पर पुष्टि नहीं की गई है। हादसे में 4 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को बालोतरा के स्थानीय अस्पताल ले जाया गया है। सूचना पर पुलिस प्रशासन का अमला वहां पहुंचा और राहत कार्य शुरू कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस घटना पर दुख जताया है। फ्री का ज्ञान ना बकवास, बस हर खबर पर आपका एंगल, तभी तो नंबर 1 है द एंगल। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट चिपकाइए।